सबसे पहले सबको नमस्कार। बहुत दिन बाद आया मैं, तो थोड़ा सा घबराया हूँ। बाकी आप लोग अपनी तालियों से संभाल लेना और ध्यान से सुनना जो भी सुना रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि मलाल है भी अगर तो अब मलाल किससे करें, कि मलाल है भी अगर तो अब मलाल किससे करें, तू सच्चा है या झूठा इसकी पड़ताल कैसे करें, तू सच्चा है या झूठा इसकी पड़ताल कैसे करें, और अपनी जुबान से बता दो ना कि बेवफा हो या हमसे वफा करते हो तुम, मेरे इश्क तुझसे अब हम ये सवाल कैसे करें। और एक पोइट्री है कि नफ़रतें भी हैं तो जायज़ हैं उनकी, कि नफ़रतें भी हैं तो जायज़ हैं उनकी, उनका इश्क भी बड़े कमाल का था। नफ़रतें भी हैं तो जायज़ हैं उनकी, उनका इश्क भी बड़े कमाल का था, और कोई ख़ास वजह नहीं थी हमारे अलग होने की, बस मसला एक सवाल का था। उसके बाद में एक शायरी लिखी है, सुनना। सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकल गए, तेरे हाथ जान मेरे हाथ से निकल गए, तेरे हाथ जान मेरे हाथ से निकल गए, और तेरे जाने का अफसोस एक उम्र तक रहा मुझको, पर अब तेरे गुलाब मेरी किताब से निकल गए। दो लाइनें और हैं। और क्या फ़ायदा हुआ सारी उम्र तेरी फिक्र करने का, और क्या फ़ायदा हुआ सारी उम्र तेरी फिक्र करने का, जब तुम जिंदगी से मेरी अपने हिसाब से निकल गए। और एक शेर है, कि इतने भी बुरे नहीं थे वो, तो एक शेर है उसी के ऊपर। यूं तो ज़माने में पास लोग बहुत हैं मेरे, यूं तो ज़माने में लोग पास बहुत हैं मेरे, मगर दूर रहकर भी तू पास है इसी बात का सुकून रहता है। यूं तो ज़माने में लोग बहुत पास हैं मेरे, लेकिन दूर रहकर भी तू पास रहता है बस इसी बात का सुकून रहता है। और तेरी यादें ना हो तो एक अल्फाज भी ना लिख सकूँ मैं, तेरी याद ही वो जरिया है जिसकी वजह से मेरी शायरियों में जुनून रहता है। और एक शायरी लिखी है मैंने, जिसमें क्या है कि दो लाइनें ऊपर की किसी और की हैं, नाम नहीं उनका मन को मालूम, तो उससे मैंने रिलेट करते हुए आगे पूरी शायरी बनाई है। कि आसमानों को ज़मीनों से मिलाने वाले, आसमानों को ज़मीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, और जो मेरे साथ ज़िंदगी मौत तक का सफ़र तय करे, जो मेरे साथ ज़िंदगी से मौत तक का सफ़र तय करे, ढूंढने पर वहीं नहीं मिलते ऐसी मोहब्बत निभाने वाले। जाते वक्त सारी बुराइयां गिनाई उसने मेरी, कि जाते वक्त सारी बुराइयां गिनाई उसने मेरी, जनाब सुकून से जाते भी नहीं आजकल जाने वाले। और एक है कि जो साथ थी मेरे बहुत ही खूबसूरत थी, अल्लाह कसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और हाँ, और उनके ऊपर कुछ लिखा है मैंने, कि तेरी खूबसूरती देखें या तेरा कसूर देखें, कि तेरी खूबसूरती देखें या तेरा कसूर देखें, तुम बताओ हम क्या क्या हुजूर देखें, तुम बताओ हम क्या क्या हुजूर देखें, और अब तेरे आगे इससे ज़्यादा झुक नहीं सकता मैं, और अब तेरे आगे झुकने का दिल नहीं मेरा, समझ नहीं आता मोहब्बत देखें या अपना गुरूर देखें। कि तेरी खूबसूरती देखें या तेरा कसूर देखें, तुम बताओ हम क्या क्या हुजूर देखें। सबक वफा का सिखाया भी नहीं जा सकता, सबक वफा का सिखाया भी नहीं जा सकता, जो सीख लिया तो भुलाया भी नहीं जा सकता, जो सीख लिया तो भुलाया भी नहीं जा सकता, ये हसीन दर्द दिल में छुपाया भी नहीं जा सकता, और कोई पूछे तो फिर इसे बताया भी नहीं जा सकता। एक शायरी है जो मैंने लिखी है, कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, मैं कैसे कह दूँ कि इंतज़ार नहीं है, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, मैं कैसे कह दूँ कि इंतज़ार नहीं है, तू भूल गया है मुझे मालूम है, तू भूल गया है मालूम है मुझको, मगर मैं कहते कह दूँ कि प्यार नहीं है। और एक आखिरी शायरी है, कि वही लड़की वही मोहब्बत वही इश्क दोबारा हो जाए तो क्या हो, वही लड़की वही मोहब्बत वही इश्क दोबारा हो जाए तो क्या हो, ए खुदा गौर कर, ए खुदा गौर कर, मुझे इश्क उसी से दोबारा हो जाए तो क्या हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।